तो गाइस आपको भी आपके फेस शेप के अकॉर्डिंग सनग्लासेस तो पहननी है, पर पता नहीं कि कौन से फ्रेम्स आपको लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। अगर आपकी फेस ट्रायंगल शेप की है तो आप रेक्टेंगल या फिर ओवल फ्रेम्स को अवॉइड कर सकते हो और बिल्कुल इसके अपोजिट वाले फ्रेम्स को परचेज कर सकते हो। लाइक आप राउंड, वेफेयरर, स्क्वायर या फिर एविएटर सनग्लासेस पर ज्यादा फोकस कर सकते हो। नाउ इफ यू आर हैविंग डायमंड फेस शेप तो इसके लिए आपको अगेन अपोजिट रूल को फॉलो करना है। लाइक आपको रेक्टेंगल, वेफेयरर और स्क्वायर जैसी फ्रेम्स को अवॉइड करनी है and you can go for the round, aviator, oval and geometric types of sunglasses. Again, अगर आपकी face long shape की है तो rectangle और square frames को छोड़ के जितने भी अदर फ्रेम्स है यू शुड गो फॉर दैट। एंड बिलीव मी हर एक फ्रेम्स आप पे काफी ज्यादा सूट करने वाली है, लाइक एविएटर, जियोमेट्रिक, वेफेयरर, राउंड एटसेट्रा। पर अगर आपकी फेस शेप ओवल, राउंड या रेक्टेंगल है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो जिसमें आपको काफी अच्छी तरीके से बताया गया कि आपको कौन से फ्रेम्स को अवॉइड करना है एंड कौन से फ्रेम्स को परचेज करना है। कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है।